All right, so hey guys, what is up everybody? It's the Mask Man back with a new reaction video. So guys, इस वीडियो में हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं फरहान अली वारिस नोहा अब्बास या मौला 2020 का ये नोहा है, यानी कि 1442 हिजरी लास्ट ईयर का नोहा है. सो यार बगैर टाइम के रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं. जो भी बात करेंगे हम वीडियो के एंड में करेंगे. वीडियो को देखने के बाद करेंगे कि मुझे नोहा पर्सनली मतलब कौन से लाइंस पसंद आए, और जो भी मैं रिव्यू देना चाह रहा हूँ वीडियो के एंड में दूंगा रिव्यू, ठीक है? तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना. बगैर टाइम के रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. सो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गो. अब्बास या मौला या अब्बास मौला, अब्बास या मौला या अब्बास मौला, अब्बास या मौला या अब्बास मौला, अब्बास या मौला या अब्बास मौला. अरे मैदानियों में है शोरे बुका. अब्बास या मौला या अब्बास मौला, अब्बास या मौला या अब्बास मौला, अब्बास या मौला या अब्बास मौला. काली सकीना को ये आस थी, मुंह बुझाएंगे तश्ना लबी. अरे मक्तल से आया अलम खून भरा. बस या मौला या बस मौला, बस या मौला या बस मौला, मुश्को अलम तुम जो लेके गए. से ये कहते थे हल्का किए. अरे तुम करबला के हो मुश्किल कुशा. बस या मौला या बस मौला, बस या मौला या बस मौला. आले पयंबर के जामिन हो तुम, जैनब की चादर के जामिन हो तुम. अरे तुमको ही देती है जैनब सदा. बस या मौला या बस मौला, बस या मौला या बस मौला. अपने पर आए या छोटे बड़े, फौजे सितमगर से सब ही लड़े. हाय तू जंग की आरज़ू से लड़ा. बस या मौला या बस मौला, बस या मौला या बस मौला. भाई से जब इज़्न लेकर चला, खैमों में फर्शे आज़ा बिछ गया. अरे नादे अली पढ़ के सबने कहा. बस या मौला या बस मौला, बस या मौला या बस मौला, बस या मौला या बस मौला. वो हाथ तूने फिदा कर दिए, जो मश्क भरने में तर हो गए. अरे तेरी वफाओं की है इंतहा. बस या मौला या बस मौला, बस या मौला या बस मौला, बस या मौला या बस मौला. एक आँख में तीर पैवस्त था, उस पर सितम गुर्ज सर पर लगा. हाय बेदस्त घोड़े से कैसे गिरा. बस या मौला या बस मौला, बस या मौला या बस मौला, बस या मौला या बस मौला. अरे दम तेरा मश्क सकीना में था, जब मश्क से पानी बहने लगा. अरे इस गम से तू जीते जी मर गया. बस या मौला या बस मौला, बस या मौला या बस मौला, बस या मौला या बस मौला. अरे मक्तल से तुमने जो आवाज दी, टूटी कमर गम से शब्बीर की. अरे अहले हरम ने ये नोहा किया. बस या मौला या बस मौला, बस या मौला या बस मौला, बस या मौला या बस मौला. आका जो आए तो रो कर कहा, शर्मिंदा है ये गुलाम आपका. अरे ताजीम को भी नहीं उठ सका. बस या मौला या बस मौला, बस या मौला या बस मौला,
फिर भाई से तूने रो कर कहा, खैमों में जाए ना लाशा मेरा, हाय तेरी वसीयत में है मरसिया। मेरी हसरत है पूरी करो, शहने कहा मुझको भाई कहो, अरे भाई कहा और सफर कर गया। फरहानो मजहर ने नौहा पढ़ा, सर जिस जगह तेरा काटा गया, अरे है उस जगह आज रोजा तेरा। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की मज़ार, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े से इतनी दूर क्यों है, जबकि तमाम शहीदों का रोज़ा, तमाम शहीदों के रोज़े इमाम हुसैन के रोज़े के अंदर ही है। मतलब पूरा गंज शहीदा इमाम हुसैन के रोज़े के अंदर ही है। और मतलब मुझे जितना पता है कि इमाम हुसैन के अतराफ ही तमाम मज़ारे हैं, तमाम रोज़े हैं जो भी शहीद हुए थे। अली अज़हर अलैहिस्सलाम की तो खबर, तो मतलब अली अज़हर अलैहिस्सलाम को तो चौथे इमाम ने शाम गरीबा को इमाम हुसैन के सीने पर, मतलब जब इमाम हुसैन को तदफीन दे रहे थे हिजाज इमामत से आकर, उस टाइम अली अज़हर अलैहिस्सलाम को इमाम हुसैन के सीने पर रख दिया था। बट इमाम हुसैन अली अज़हर अलैहिस्सलाम से हटके दूसरे जितने भी हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम हैं और जनाब हुर है और जो भी है जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर है, जो भी है उनकी मज़ार उनके रोज़े तमाम मतलब घिरे हुए इमाम हुसैन इस्लाम के रोज़े के अतराफ घिरे हुए हैं। बट इमाम हज़रत अब्बास की मज़ार क्यों है इतनी दूर? जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हज़रत अब्बास की वसीयत थी कि मेरा लाशा खैमों में ना ले जाइए, जिसकी वजह से इमाम हुसैन इस्लाम को उस वसीयत पर अमल करना पड़ा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्बास की लाश को वहीं पर दरिया के किनारे अपनी आबा से ढक दिया और वहीं पर मतलब छोड़ दिया, ना के खेमों में लेकर गए वसीयत के मुताबिक। तो वही इस मतलब इसी मसायब को, इसी दर्दनाक मसायब को इस नौहे में यूज किए गए हैं। पर्सनली मुझे ये वाली लाइन, ये वाले मसायब बहुत ज्यादा मतलब दर्द भरे लगते हैं। जब हजरत अब्बास ने ये कहा होगा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दिल पर क्या गुजरी होगी? मतलब जितने भी लाशें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उठाए उसमें हजरत अब्बास का लाशा मौजूद नहीं है। बात करें अगर दूसरे लाइंस की, तो पूरे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितने भी मसायब हजरत अब्बास के, या हजरत अब्बास को इज़्ने मतलब पानी लेकर आने की इज़्ने जो मिली थी, लड़ने की इजाजत नहीं मिली थी, तो वहां से लेकर वो दरिया के किनारे गए, बाजू कट गए, मशखीज़ा लेकर आए और मशखीज़े में तीर लगा और पूरा पानी बह गया, जिसकी वजह से इमाम हजरत अब्बास की आस टूट गई और उनके बाजू कटने की वजह से जब उनके सर पर गुर्ज लगा तो वो बगैर हाथों के सहारे जमीन पर आए और उनकी आंख में एक तीर भी थी। तो यही तमाम मसायब पेश किए गए हैं बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। और लास्ट में जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हजरत अब्बास की लाश पर मतलब उनके पास आते हैं तो वो अभी जिंदा होते हैं, वो कहते हैं कि या मतलब वही वसीयत करते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, लाशा खैमे में ना ले जाइए। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं कि बचपन से मेरी एक आरजू थी कि मैं तुम्हें मतलब तुम मुझे भाई कहो एक बार, मुझे हमेशा से तुमसे सुनना था, जब से भी होश संभाला तुमने मुझे सिर्फ आका ही कहा, यानी कि मालिक ही कहा, कभी भी भाई कहकर नहीं पुकारा। तो वो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भाई कहते हैं तीन बार और उनकी शहादत पेश होती है। यही तमाम मसायब पेश किए गए नौहे में। और स्टार्टिंग में जो एक मसायब का मतलब एक लाइन थी जिसमें बयान किया गया था कि
तमाम छोटे बड़ों ने जंग की, तमाम लोगों ने मतलब अपनी हसरत पूरी की, तमाम लोगों ने जंग की बाहर, मतलब दुश्मनों से जंग की, बट अब्बास तूने अपनी ख्वाहिश से, तूने अपनी हसरत से, मतलब जंग लड़ने की जो हसरत थी उसी से तूने जंग की। ये वाली लाइन भी मुझे बहुत पसंद आई यार, बहुत मतलब तकलीफ दे बात है। ये तीन मसाहब है यार हजरत अब्बास के, मतलब मुझे तीन या चार मसाहब है जो मुझे बहुत ज्यादा दिल को लगते हैं। एक जो हजरत अब्बास को जंगे वगा यानी के इज़्ने वगा यानी के जंग करने की इजाजत नहीं मिली, वो हजरत अब्बास की वसीयत के खेमों में लाशा ना ले जाइए। हजरत अब्बास से इमाम हुसैन का ये कहना कि मुझे भाई कह दो। और चौथा और जो सबसे ज्यादा दर्द भरा है वो ये कि इमाम हजरत अब्बास के हाथ मौजूद नहीं थे और वो बगैर हाथों के सहारे मुंह के बल जमीन पर गिर गए थे। ये चार मसाइल मुझे बहुत ज्यादा दिल को लगते हैं जब भी सुनता हूं तो वेल दैट्स इट यार इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोग वीडियो पसंद आए तो प्लीज कमेंट में कर दीजिए, मुझे देखकर अच्छा दिखता है कि कितने लोग मेरी वीडियो को एंड तक देखते हैं। तो यार प्लीज कमेंट कर दीजिए वीडियो को, लाइक वो है तो आप लोगों के ऊपर है, मर्जी आप लोगों की, मैं नहीं बोलूंगा उसके लिए। तो दैट्स इट, मिलते हैं ऐसी किसी और रिएक्शन वीडियो में जल्द से जल्द। तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी, कीप द बल्ब ऑलवेज ऑन। बाय बाय। Pas ya mola ya pas ma